चेरीमरी विजयनगर की बात कर रहे हैं आप, संजय नगर की बात कर रहे हैं, उनका भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मेदारी लिया हूँ। और आपने कहा कि मैंने रूम शिफ्टिंग दी है, और ऐसे में यहाँ की जो विपक्ष है उसका यह आरोप है चुने हुए लोगों को रूम की शिफ्टिंग दी। देखिए, तुम्हारे माध्यम से लोगों के सामने दिया है, फिर जो लॉटरी निकाला है आपको जो बताता है वो लोगों ने दोबारा देख के दिया है क्या? अभी उनका दौरा देखने लायक भी नहीं बचा है। आपने विधानसभा में आवाज उठाई थी कि दुर्गत के रहने वाले लोगों को फोर्स में पानी दिया जाता है, वहाँ के लोग काफी परेशान, महिलाएं हैं, ज्येष्ठ नागरिक है और बच्चे हैं जो मतलब पानी का डब्बा लेके दौड़ रहे हैं। या फिर यहाँ याद आता कुल्ला इलाका के जो सहायक आयुक्त है महादेव शिंदे, वो इस पर ध्यान देते हैं कि पानी का फोर्स नहीं आ रहा है, लोगों के पास नहीं पहुँच रहा फोर्स में पानी, तो इस विषय में आप क्या? देखिए, जो मेरे चांदीली के अंदर जो जो समस्या है उस समस्या को महाराष्ट्र शासन के प्रमुख, महाराष्ट्र के सीएम उनके सामने रखने की कोशिश किया हूँ, और वो काम उनके सामने रख के पीछे नहीं हटाओ, वो पूरा करके लेने की जिम्मेदारी है। पानी सप्लाई करने वाली जो वो बड़े पाइपलाइन का काम शुरू है, इसलिए मुंबई शहर के अंदर मुंबई में बहुत से जगह चाहे कुल्लू सिटी हो नार है, इस विभाग के अंदर पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है। 15% कटौती बोलते हैं लेकिन वो 25% कट हो गई, इसी की वजह से हमारे जरीमरी के या विजयनगर है, जरीमरी का पूरे भाग है, संजय नगर है, नारा नगर है, नगर पालिका है, नार है, ऐसे मोहल्ले में पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने के साथ हुआ है। लेकिन तो ज़्यादा थी मैं दो दिन अधिकारियों से मिल के उनको भी सहयोग कर लिया, थोड़ा थोड़ा जगह पर कोई कहाँ पर लीकेज था, कई जगह पर नया पाइपलाइन डालते दो दो इंच का पाइप लेते हैं तो पानी मुझे कर देता था, ऐसा काम किया है, बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। मैं हूँ अम्मार खान, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्डन वेस्ट में, हमारे साथ मौजूद है जानते हैं जी अमजाद जी, मामा जानते बात करेंगे। मामा क्या कहेंगे आज यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया, इफ्तार के बाद चाय पे चर्चा की गई, क्या कहेंगे? ये रोजा का महीना है, इस महीने में त्यौहार के अवसर पे लोगों को मिलना, लोगों से बातचीत करना, और इसी के साथों साथ लोगों के दिल के अंदर, उनके मन के अंदर जो चाहते हैं कि मेरे एरिया में ये सुविधा होना चाहिए, वो सुनने के लिए यहाँ पे आज चाय पे चर्चा रखी थी, और यहाँ पे सभी को यहाँ पे आज जितने आप देखा होगा पूरा हॉल भर के बाहर खड़े थे। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे माँ बहनों भी आई थी, एक विश्वास के साथ उनको एक भरोसा है कि अपने काम है, अपने एरिया का समस्या है, अपने जो तकलीफ है वो जो 20 साल में नहीं हुआ है वो उस 20 साल में जो हुआ नहीं है वो करने का जिम्मेदारी दिलीप मामा ने लिया है, और दिलीप मामा पूरा करके देगा वो उन पर विश्वास है, इसलिए वो विश्वास के साथ आज यहाँ पे सभी लोग चाय के लिए और चाय के माहौल के अंदर वहाँ के लोगों की समस्या, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुनने का और उनको मदद करने का काम कर रहा है। मामा, जैसे कि पिछले कई दिनों से जरीमरी के विजयनगर में पानी की समस्या, इस विषय में क्या कहा? मुंबई हो या ठाणा हो, इसके अंदर जो मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो पाइपलाइन है वो बड़े पाइपलाइन का काम शुरू है, इसलिए मुंबई शहर के अंदर मुंबई में बहुत से जगह पे चाहे कोहनूर सिटी हो, नार है,
इस विभाग के अंदर पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है। 15% कटौती बोलते हैं लेकिन वो 25% कट हो गया है। इसी की वजह से हमारे जरीमरी के विजयनगर है, जरीमरी के कोई भाग है, संजय नगर है, नारायण नगर है, प्रीमियर कॉलोनी है, नहार है, ऐसे माहौल में, ऐसे मोहल्ले में पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने के साथ हुआ है। लेकिन तो ज़्यादा थी, मैं 2 दिन अधिकारियों से मिल के उनको भी सहयोग करके थोड़ा थोड़ा जगह पे कोई जहाँ पे लीकेज था कई जगह पे नया पाइपलाइन डाल के 2-2 इंच का पाइपलाइन दे के तो पानी उनके घर तक जाता है, वैसा काम किया है। फिर बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। जो झरीमरी विजयनगर की बात कर रहे हैं, आप संजय नगर की बात कर रहे हैं, उनका भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मेदारी लिया हूँ। और आपने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि डोंगर पे रहने वाले लोगों को फोर्स में पानी नहीं जाता और वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, महिलाएं हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं और बच्चे हैं जो मतलब पानी का डब्बा लेकर दौड़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। और कुल्ला आयल विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं महादेव शिंदे, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि पानी का फोर्स नहीं आ रहा है, उन लोगों के पास नहीं पहुँच रहा फोर्स में पानी, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे चांदौली के अंदर जो जो समस्या है उस समस्या को महाराष्ट्र शासन के प्रमुख, महाराष्ट्र के CM उनके सामने रखने की मैं कोशिश किया हूँ और वो काम ओनली उनके सामने रख के पीछे नहीं हटाओ, वो पूरा करके लेने की जिम्मेदारी लिया मामा जी। इससे पहले जिस झोपड़पट्टी के अंदर बारिश से तकलीफ होता था उनको घर मिलना चाहिए, 2 साल वो लोगों के हक के लिए लड़ते रह गए और महाराष्ट्र के CM आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से उनको न्याय देने का काम पूरा हो गया, उनका घर रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। वैसे कुरला अंधेरी रास्ता हो हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का अगले महीने में CM को ला के उनका भूमि पूजन कर रहा हूँ। अभी मेरे चांदौली के अंदर जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं वो लोगों को पानी की समस्या है, उसका भी काम इस साल के अंदर मैं पूरा कर रहा हूँ। मामा, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैंने रूम शिफ्टिंग दी है और ऐसे में यहाँ की जो विपक्ष है उसका ये आरोप है कि चुने हुए लोगों को रूम की शिफ्टिंग दी गई। देखिए, तुम्हारे माध्यम से लोगों के सामने दिया है, मैं जिंदगी मेरे माँ बाप ने भी मेरे को सिखाया नहीं कि भाई थोपड़ा देख के किसी को मदद करो, बिल्कुल नहीं। सभी लोगों ने एक विश्वास रख के मेरे को चांदौली का विकास करने के लिए, चांदौली के लोगों की सेवा करने के लिए दिया है। इसलिए मैं ये नहीं दिखूंगा कि तुम पत्रकार है तुमको पहला दे दो, बिल्कुल नहीं। और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रूम देने का काम महाराष्ट्र शासन कर रहे, महाराष्ट्र शासन के अधिकारी कर रहे और सभी लोगों के सामने लॉटरी निकाल के दे रहे। और ये कभी लॉटरी निकाला है मैं MLA बनने से पहला, फिर जो लॉटरी निकाला है आपको जो बताता है वो लोग ने थोपड़ा देख के दिया है क्या? अभी उनका थोपड़ा देखने लायक भी नहीं बचा है। मामा, आपका 20 साल पुराना सपना है कि काजू पड़े की जो ट्रैफिक है वो खत्म की जाए और उसका रोड का काम भी खत्म होने की कदार पे थोड़ी सी देरी है, इस विषय में क्या कहेंगे? मेरा खुद का सपना है, इससे सातों साथ काजू पड़े के आपके सरे के लोग रहने वाले के भी सपना है कि काजू पड़े का अच्छा रास्ता बनना चाहिए। काजू पड़े का रास्ता आपको ये 2 महीने के अंदर दिखेगा, वो पूरा होने के बाद आप बता दो कि काजू पड़े का रास्ता पूरे बम्बई के अंदर कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये तो चांदौली के आमदार दिलीप मामा लांडे जो हमसे बात कर रहे थे, अभी देखने वाला विषय होगा कि किस तरीके से पानी की समस्या पे हल निकाला जाता है।